ढाई करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी भाजपा, सांसद विधायकों को मिली जिम्मेदारी। साल में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, बड़ी कटौती की तैयारी में सरकार। राज ठाकरे वीआईपी, इसलिए उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिलेगा निमंत्रण। उद्धव ठाकरे का नाम लिस्ट में ही नहीं, वो साधारण विधायक। गिरीश महाजन के बयान पर भड़के शिवसैनिक। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास धुआं देख अफरा तफरी, मौके पर पहुंचे पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी। आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल भेजने वाले शख्स ने मांगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा। हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। ना हिंदुत्व कमजोर होगा और ना ही मंदिर निर्माण रुकेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, हिंदू धर्म पर विवादित बयान देने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत हुई दर्ज। मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपना लेते, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। दिनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाया, पीएम मोदी को पत्र लिख कर पूछा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर छपने के लिए है महिला खिलाड़ी। यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर सीएम योगी ने आयु सीमा में 3 साल की छूट के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पूर्णा पर्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, आसमान में छाए धुएं, मौके पर अफरा तफरी मची। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को करना होगा आईटी नियमों का पालन, डीप फेक को लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी। मुंबई से अयोध्या के लिए 15 जनवरी को उड़ेंगी फ्लाइट्स, इंडिगो ने किया ऐलान जारी कर शेड्यूल। अयोध्या दिल्ली के बीच चलेगी पहली अमृत भारत, 30 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 3 मौतें, 412 नए केस आए सामने। आईपीएल में चीन की एंट्री पर बैन, स्पॉन्सरशिप पर बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। दीदी के शासन में जनता बोल रही इससे अच्छे तो वामपंथी थे, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में साधा ममता बनर्जी पर निशाना। शादी के 7 दिन बाद प्रेमी संग फरार हुई महिला, भागने से पहले पिता को कार से कुचल कर मारा, देखता रह गया पति। कोहरे की चादर से घिरा उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर सहित कई जगहों पर विजिबिलिटी हुई कम। उत्तर प्रदेश में बाजार में घूम रहा था रेप आरोपी, देखते ही चीखने लगी बच्ची, कहा इसे पकड़ो। गुरुग्राम में एटीएम तोड़ते 2 औजारों समेत गिरफ्तार, हैदराबाद से आई वारदात की कॉल, पुलिस ने मौके पर रेड के बाद आरोपी को पकड़ा। कश्मीर के राजौरी में 6ठे दिन भी ऑपरेशन जारी, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। पैर बांधकर मुंह में ठूंसा कपड़ा, रात भर किया गैंग रेप, बाराबंकी में महिला के साथ हैवानियत। नेर में ब्यूटी पार्लर संचालिका की गला काट कर हत्या, शाम को मंदिर जाने का कहकर घर से निकली थी, 10 किलोमीटर दूर मिला शव।